दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल टेक इंडिया जोन में। दोस्तों मैं आप सभी को आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से Instagram स्टोरी को म्यूजिक के साथ डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि अपना गैलरी में सेव कर सकते हैं। तो आप लोग Instagram स्टोरी को म्यूजिक के साथ सेव करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सीखिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल पर नए हो तो आपको जो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके, साथ उस घंटी वाला आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो का करता हूँ स्टार्ट। दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको अपना इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले आपको कोई स्टोरी लगा लेना है। चलिए मैं यहाँ पे स्टोरी लगा लेता हूँ। तो जैसे कि मैं अपना गैलरी से कोई स्टोरी यहाँ पे लगा लेता हूँ, तो कोई एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे एक फ़ोटो को ले लेता हूँ। चलिए मैं इस फ़ोटो को लेने के बाद आपको यहाँ पे कुछ टाइप कर लेना है, यानी कि कुछ लिख लेना है। लिखने के लिए आपको यहाँ से लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते तो आप छोड़ सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर म्यूजिक लगाना चाहते हैं तो म्यूजिक लगाने के लिए आपको इस वाला बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कोई एक म्यूजिक यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, जैसे कि कोई भी म्यूजिक एक सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं प्ले नहीं करूँगा, नहीं तो कॉपीराइट आ सकता है। तो यहाँ पे हम बंद कर देते हैं आवाज़ को और यहाँ से हम इसे डन कर देंगे। डन करने के बाद यहाँ पे आगे बढ़ नेक्स्ट वाला बटन पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट वाला बटन पर क्लिक करने के बाद शेयर वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे शेयर वाला बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते कि ये स्टोरी लग चुका है। और डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ से अगर आप डाउनलोड करते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपको यहाँ से ये स्टोरी के यहाँ पर सेव करते अपने गैलरी में तो आपको म्यूजिक नहीं आएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो आपको स्टोरी में म्यूजिक के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना। चलिए अपना क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। तो क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है स्टोरी सेवर इंस्टाग्राम को। तो जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको फर्स्ट में जो भी आएगा वेबसाइट का लिंक तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद तो आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसे डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम का प्रोफाइल नेम लिख देना है। लिख देने के बाद आपको डन वाला बटन ऊपर क्लिक कर देना है, यानी आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना है। चलिए मैं यहाँ पर कैप्चा फिल कर लेता हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको यहां पर आपका वीडियो या स्टोरी आ गया। तो आप इसे डाउनलोड करने के लिए आपको यहां पर डाउनलोड MP4 के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही यहां पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा हमें वेट कर लेना है और वेट करने के बाद आपको थ्री बटन के ऊपर क्लिक करके उसके बाद डाउनलोड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो देख सकते हैं कि ये स्टोरी डाउनलोड होना शुरू हो चुका है और डाउनलोड भी यहाँ पे हो चुका है। और डाउनलोड होने जाकर इसे ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्टोरी यहाँ पूरा म्यूजिक के साथ डाउनलोड हो गया है। तो दोस्तों आप लोग भी कुछ इस तरह से यहाँ अपना स्टोरी म्यूजिक के साथ अपनी गैलरी में सेव कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सीख लिए होंगे। सीख लिए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।